ये सदमा के धर्म बहन लोग का ड्रेस देखते ही बहुत खुशी होता है। आज ये धर्म बहनों जो सत सत बहन है, सातों बहनों का एक साथ 3 दिन का उपवास मिला था और ये तीनों दिन ही यहीं पर ये सामने जो सरना के उस साइड में जो देख रहे हैं इसी में वो लोग सातों दिन रहते थे और इनका देखभाल पहान जो है ये और वो जो उनकी वाइफ है वो इनकी देखभाल करते थे और एक भीर भरनी बाबा है वो इसी आसपास में रहते थे और बाकी गांव वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। और मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि आज हम लोग का सरना में किस प्रकार से भक्ति और किस प्रकार से लगन और किस प्रकार से लोगों में विश्वास हो रहा है। यहाँ पर भी मैं काफ़ी लोगों से बात किए और बात करने के बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि ये लोग बहुत दुखी थे। हर जगह ये इलाज करा के हर जगह जा जा के लोग थक गए थे, डॉक्टरी इलाज वगैरह करा करा के थक गए थे और भी अन्य जगह पर इलाज करा करा के थक गए थे, पर यहाँ सहजता से ही आसानी से ही धर्मेश का, ज्वाला माँ का, सिंहभुंगा का, आदि शक्ति का याद करते हुए, केवट बाबा का इनका याद करते हुए एक सुंदर सा या अच्छा पवित्र दिल से या साफ दिल से जो विनती और भजन और प्रार्थना जो करते हैं उससे बहुत लाभ हो रहा है। कहते हैं कि जैसा सोच होता है उसी प्रकार से लोगों के जीवन में भी उसी प्रकार से परिणाम होता है। तो सरना आने के बाद में विश्वास तो होता ही होता है, साथ साथ में उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारे साथ में आदि शक्ति सरना माँ है और वो किसी भी तरह से कोई भी दुख तकलीफ या परेशानी नहीं आने देंगे। वो हर चीज़ सही और सही और सही और अच्छा करते हुए अच्छा मार्ग दिखाते जाएंगे और इसी मार्ग और अच्छाई के साथ में हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आज हर सरना में इसी प्रकार के यहाँ पर बहुत पहले कम ही लोग आते थे, पर अब धीरे 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 यहाँ पर इस सरना में बृहस्पतिवार के दिन में भी काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं और कहते हैं कि जिस सरना में कहाँ पहान लोग अगर अगुवाई करते हैं और एक दिन समय देते हैं वहाँ बहुत होता, बहुत अच्छा होता है। आज हर एक प्रधान को अपना अपना जिम्मेवारी समझना चाहिए, अपना जिम्मेवारी समझते हुए समाज को लाइनअप करें। आपको पूरा आदिवासी समाज भगवान की तरह मानता है, सेवा करता है, तो आप भी अपना अहमियत को समझे, अपना वैल्यूएशन को समझे। आप समझ जाएंगे तो इज्जत होगा, मान होगा, सम्मान होगा और आपके अंदर भी धर्मेश का कृपा होगा और आपके अंदर भी वो शक्ति मिलेगा जो बहुत सारे शक्ति के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं और जाते रहते हैं और शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप झंडा के द्वारा परिक्रमा कर रहे हैं, इसी झंडा को यहाँ पर आज स्थापित करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग और आगे भजन वगैरह सुनते रहें, हम आपको दिखाते रहेंगे और यहाँ पर कैसे माहौल है, कितना अच्छा माहौल है। यहाँ पर देखने के बाद में हम सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ अनुशासन डिसिप्लिन बहुत है। ये Thank you.